किसान नेता राकेश टिकैत की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर न सिर्फ बहुत तेजी से वायरल हो रही है, बल्कि उस तस्वीर के जरिए जहां गोदी मीडिया के कुछ एंकर उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ पत्रकार उनकी तस्वीर को लेकर उनके समर्थन में तर्क भी दे रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर का क्या सच है, और क्या सिर्फ कुछ रही ज़ादों या उद्योगपतियों को ही एयर कंडीशन में सोने का हक है? क्या किसानों के नसीब में सिर्फ कर्ज में डूबकर मौत को गले लगाना है? वो भी बताएंगे। मगर उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूसिव जानकारी आपको सिर्फ टाइम 24 न्यूज़ पर ही मिलती है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को लेकर गोदी एंकर समय समय पर न सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जब जब मौका मिला उन्होंने अपने दिमागी जहर को टीवी स्क्रीन पर उगल दिया। मगर आज बात उसकी नहीं, बल्कि बात ऐसे में लगातार सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की एक फ़ोटो की करते हैं, जिसमें उनके कैबिन में एसी और कारपेट नज़र आ रही है। किसान आंदोलन को लगभग 7 महीने पूरे हो गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब किसानों ने ना सिर्फ देखा है बल्कि सड़क पर रहकर झेला भी है। मगर इन किसानों का हौसला है कि टूटता नहीं। मगर कुछ गोदी एंकर के हाथ में राकेश टिकैत को बदनाम करने के लिए उस वक्त गेंद आ गई जब उनके कैबिन में एसी और कारपेट लगी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस फोटो को लेकर कुछ टीवी एंकर उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करने के लिए मैदान में कूद पड़े, जबकि कुछ पत्रकार उन्हें इसका जवाब देते भी नजर आए। दोस्तों, एबीपी की न्यूज एंकर आस्था कौशिक ने यह तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि दिन भर दौड़ धूप करने के बाद मेहनतकश किसान कम से कम वातानुकूलित शामियाना तो डिजर्व करता ही है, बाकी कारपेट गद्दे तो इतनी बड़ी बात नहीं, अब बेकार का हल्ला ना करें। वहीं एंकर के इसी ट्वीट पर कटाक्ष करते हुए एनडीटीवी के पत्रकार शोहित मिश्रा ने लिखा है कि सही बात है, किसान एसी में कैसे सो सकता है, किसान का काम केवल आत्महत्या करना है, भूखा रहना और गरीब रहना है, एसी में बैठना, करोड़ों रुपयों की गाड़ियों में घूमना, लाखों रुपये के सूट पहनना तो नेताओं का काम है, आखिर उनसे सवाल कैसे पूछ सकता है कोई, सवाल तो किसानों से पूछा जाएगा, समझ सकते हैं। वहीं स्वतंत्र पत्रकार अजीत अंजुम ने किसान नेता राकेश टिकैत की इस तस्वीर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि फकीर होकर 365 दिन में 965 बार कपड़े बदलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, केदारनाथ के ध्यान गुफा में 4 कैमरे के सामने बैठकर कनखी से देखते ध्यान जी से दिक्कत नहीं, कई एकड़ वाले बंगले से महल में शिफ्ट होने की तैयारी से भी दिक्कत नहीं, दिक्कत यह है कि किसान फकीर की तरह क्यों नहीं। एबीपी के पत्रकार ब्रजेश राजपूत ने भी राकेश टिकैत की इस तस्वीर का समर्थन करते हुए उन्हें ट्रोल करने के इरादे से ट्विटर पर उतरे लोगों को जवाब देते हुए लिखा कि खुली चुनावी रैलियों में मंच पर खड़े 4 से 8 एसी किसी को नहीं दिखते, 7 महीने से घर से दूर पड़े आंदोलनकारी किसान के तंबू का एसी दिख गया, वाह। कुल मिलाकर एक किसान के तंबू में एसी देखकर हर वक्त एसी में रहकर सेलिब्रिटी जैसी लाइफस्टाइल जीने वाले गोदी एंकरों को जब अपनी धारदार जमीनी पत्रकारिता को लेकर जाना जाने वाले पत्रकार द्वारा घेरते हुए उनसे पूछा गया कि किसान उन सुख सुविधाओं का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता जिनका इस्तेमाल करते हुए मोटी सैलरी पैकेज लेकर ट्विटर को प्रोपोगंडा का मंच बना चुके लोग ऊट पटांग मैसेज लिखते हैं, तो गोदी एंकर पर उनके सवालों का जवाब तक देने में बन पड़ा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।